नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की न्यूज क्या है, आज की न्यूज क्या है, क्या अब इसमें और मोमेंटम आ सकता है, क्या अब ऊपर के चांसेस बनेंगे। आज इसने बहुत ही फ्लैट रहा और लगभग आधा परसेंट का करेक्शन इसने दिखाया, तो क्या करना चाहिए दोस्तों, इंडिया बुल को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या बाइंग लेवल्स क्या होंगे, तो जो भी है इस न्यूज के माध्यम से आपको पता चलेगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिस जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जब आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो लाइव एनालिसिस आपको तुरंत का तुरंत बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर की न्यूज के बारे में और इसके फ्यूचर टारगेट क्या होंगे उसके बारे में। इंडिया बुल हाउसिंग का शेयर न्यूज आज का क्या है कि इनके जो वाइस चेयरमैन हैं गगन बांगा जी और वाइस चेयरमैन एमडी हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के, उन्होंने कहा है कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लाइकली टू अचीव 10% एयूएम ग्रोथ गाइडेंस फॉर क्वार्टर टू, यानी कि 10% का ग्रोथ कहीं ना कहीं क्वार्टर टू में ये अचीव करेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट में। तो ये एक अच्छी न्यूज है जो कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए पॉजिटिव न्यूज है, खुद वहाँ के वाइस चेयरमैन ने बताया है, तो डेफिनेटली एक बेहतरीन न्यूज निकल के आ रही है। लेकिन दोस्तों एक और न्यूज है साथ साथ जो पूरे सेक्टर के लिए है, सेक्टर के लिए निगेटिव है लेकिन इंडिया बुल हाउसिंग के लिए पॉजिटिव है। तो सेक्टर के लिए निगेटिव न्यूज ये है कि नॉन बैंक लेंडर्स कुड सी डिसेलरेटिंग एयूएम ग्रोथ इन क्वार्टर टू, तो डिक्रीज करेगी क्वार्टर टू में एयूएम। एयूएम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, खासतौर पर अगर हम कंपैरिजन करें नॉन बैंकिंग कौन कौन सी हैं, LIC है, PNB हाउसिंग है और ये आपकी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है। तो अगर हम इसमें कंपैरिजन करें तो दोस्तों कौन सा बेहतर होगी और कौन सी नहीं, तो इंडिया बुल हाउसिंग के लिए स्पेशली पॉजिटिव न्यूज है लेकिन पूरे सेक्टर के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज है, तो प्लस माइनस टाइप का है। यहाँ पे कंपैरिजन करिए अगर पीयर्स से, तो इनके पीयर्स इंडिया बुल हाउसिंग है, LIC हाउसिंग और BNB हाउसिंग, इन तीनों में कंपैरिजन करें तो प्राइस का लेवल देखिए दोस्तों तो बहुत ही कम है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का 152 का, P/E प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफ़ी कम है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, बीटा जरूर हाई है और डिलीवरी परसेंटेज हाई है, रिस्क रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन दोस्तों चूँकि पूरा सेक्टर में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग रहता है, तो इंडिया बुल हाउसिंग का अगर थोड़ी सी भी न्यूज आती है तो डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज आती है, तो ये शेयर आराम से ऊपर का 6-10% 15% मूवमेंट दिखाता है। तो काफी दिनों से साइडवेज चल रहा है और ये न्यूज पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये शेयर अब जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देखिएगा दोस्तों ये शेयर हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या स्टॉप लॉस होंगे, क्या टारगेट होंगे उसके बारे में डिटेल करते हैं। तो अगर तीनों शेयरों में से किसी को बाई करना है तो मेरा जो बाइंग सजेशन रहेगा वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए रहेगा, उसके रीजन से हाई बीटा काउंटर, हाई डिलीवरी परसेंटेज और P/E लेस है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो हम 3 मंथ का चार्ट अगर आप देखें तो 3 मंथ में इसने लगभग 220 के लेवल से गिरना शुरू हुआ और यहाँ पे लगभग जो लोएस्ट बनाया वो 127 के आसपास बनाया और वहां से जो अपसाइड मूवमेंट दिखाया तो वो लगभग 156-157-158 यही आपके टारगेट चल रहे हैं। तो अगर इसको अपसाइड ब्रेक करना है तो 175 का लेवल इसको ब्रेक करना पड़ेगा जो कि करंट प्राइस 152 का है। जैसे ही 175 का लेवल ब्रेक करेगा इसमें मेजर अपसाइड मूवमेंट आएंगे और लगभग ये शेयर 190-195 की ट्रेजेक्ट्री में जाएगा। तो अच्छी क्वालिटी का शेयर है, RSI 41 इंडिकेट कर रहा है कि काफी करीब है ओवरसोल्ड होल्डिंग मोड के, तो डेफिनेटली इस शेयर के बाइंग बनते हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए MACD चार्ट पे, यहाँ से लगातार अगर आप देख पा रहे हैं नीचे की साइड बॉटम बन रहे थे लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार अप साइड मूवमेंट बन रहे हैं, यानी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव संकेत है कि अब ये शेयर ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, बॉटम बना रहा है। तो इसका बॉटम लगभग 145 के आसपास का बन रहा है, अगर आप 3 महीने का नजरिया रखते हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आप इसमें एक स्टॉप लॉस 129 का रखिए और टारगेट 180 तक के देखने को मिल सकते हैं, 190 तक भी देख मिल सकते हैं। तो हमारे जो 3 मंथ में टारगेट होंगे वो 152 का करंट प्राइस है,
185 का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, लगभग 20% का अपसाइड मूवमेंट बाइंग रेटिंग होगी, स्टॉप लॉस 130 का रहेगा। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स, ध्यान रखिए दोस्तों, ट्रेडिंग बुल्स अलग है, द ट्रेडिंग बुल्स अलग है, तो द ट्रेडिंग बुल्स से हम लोग जाने जाते हैं, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। हम लोग इंट्राडे में मिनिमम 2% का प्रॉफिट कराते हैं। डिस्क्लेमर यह है कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें और टारगेट भी फिक्स रखें। थैंक यू दोस्तों, ये थी शेयर एनालिसिस इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।